नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाजा, इंस्पायर टू हिंदी से। और ये है इन्फिनिक्स का लेटेस्ट स्मार्टफोन स्मार्ट HD। और अभी मतलब काफ़ी ऐसा टाइम आ गया है कोरोना वगैरह की वजह से कि ऑलमोस्ट हर एक गैजेट जो आप खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस बढ़ चुका है। जो लोग PC बिल्ड से प्यार करते हैं उनको भी पता होगा कि जो 25,000 में पिछले साल बिल्ड बनाई थी वो आज के डेट पे 30,000 से 35,000 की मिल रही है। जो चीज़ें स्मार्टफोन्स अगर 10,000 के अराउंड बिकते थे वो आज के डेट में 12,000-13,000 पे बिक रहे हैं। जो TV आपको 13,000 में मिलता था वो आज के डेट में 14,000 से 15,000 का हो चुका है। तो हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। तो क्या इस महंगाई के युग में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि सस्ती है और अफोर्डेबल बची है? तो इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, ऐसा कुछ है दुनिया में, ऐसा कुछ बचा हुआ है। आज मैं आपको इसकी एक ज़बरदस्ती अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, एक बढ़िया सा हैंड्स ऑन दिखाऊंगा इसका एक फुल डिटेल्ड यूसेज के बाद वाला रिव्यू आराम से बाद में आएगा। थोड़ा रगड़ने दीजिए इसको और वो हो जाता है, उसके बाद एक बड़ा मस्त डिटेल रिव्यू आएगा और शुरुआत करते एक बढ़िया से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है। 2020 सब लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक गया है और 2021 का इंतज़ार तो बहुत ही तरीके से लोग कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो। तो ये रहा स्मार्ट HD 2021 और बॉक्स पे पीछे काफ़ी सारे इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कि ये फैक्ट कि ये 6.1 इंच की HD+ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, 5,000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, 8 MP का रियर पे कैमरा है, 5 MP का सेल्फी कैमरा और ड्यूअल LED फ्लैश वहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने, फेस अनलॉक इसमें सपोर्टेड है, DTS ऑडियो है, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सार वैल्यू भी इस फोन के यहीं पे लिखी हुई है, बॉक्स पे प्राइस 7,999 दे रखा है। तो आइए अब जरा इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यार बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ मिलती है, वो मिलती है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD स्मार्टफोन। इसका जो बिल्डर डिज़ाइन है बड़ा ही अलग ही सॉलिड सा बिल्डर डिज़ाइन है और ये मुझे एक बहुत ही सही सा कॉम्पैक्ट सा फ़ोन लग रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हो गए जो बहुत ही बड़े से हो गए हैं, बट ये काफ़ी हद तक मुझे हैंडी सा लग रहा है, ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा 6.1 इंच की डिस्प्ले होने के बावजूद। आइए अब ज़रा इसका उद्घाटन करते हैं। हाँ, असली मज़ा तो इसी में। बैक पे एक अलग ही इन्होंने ग्रेडियंट फिनिश टाइप का दे रखा है और मस्त एकदम ऐसे बढ़ते हुए एरोज दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सही डिज़ाइन और डिज़ाइन पे काफ़ी हद तक फोकस है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं फ़ोन को ज़रा और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या मिल रहा है इसके अलावा। और इसके अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पे एक नॉर्मल अडैप्टर मिल रहा है, ये 5 वोल्ट 1.2 एम्पेयर का एक अडैप्टर है, ये फास्ट चार्जर तो डेफिनेटली नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा मोस्ट प्रोबेबली इस फ़ोन को पूरा चार्ज होने में। और आपको मिलता है एक माइक्रो USB केबल इस फ़ोन के लिए, इसको चार्ज करने के लिए, तो जिससे आप ये अंदाज़ा आप लगा ही चुके होंगे कि ये माइक्रो USB पोर्ट के साथ आता है। और चलो एक बात इनकी मुझे सबसे सही लगती है, ये हमेशा TPU कवर के साथ ही फ़ोन देते हैं, तो यहाँ पे भी वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये फ़ोन जो है वो TPU कवर के साथ है। ये कुछ अलग ही सॉलिड वाला TPU कवर है, ये मतलब स्क्विशी वाला नहीं है, ये हार्ड केस प्लास्टिक कवर है, तो ये भी सही भाई। इसके अलावा आपको और क्या क्या मिल रहा है अंदर, आपको मिल रहा है एक्स क्लब की मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला गाइड है एक, और इसके अलावा अंदर आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली ये यूज़र मैनुअल है कि भाई चलाना कैसे है, नहीं ये वारंटी कार्ड है ताकि आप वारंटी अपनी अवेल कर सकें, और एक होगा यूज़र मैनुअल कि इस्तेमाल कैसे करना है, बट हम लोग यार इंजीनियर हैं तो हम यूज़र मैनुअल तो कभी नहीं पढ़ते गलती से भी। और आपको मिलता है इसके लिए क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर, बट यार मेरे को एक दिक्कत है और ये दिक्कत मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोली भी है, वो दिक्कत ये है कि मेरे जैसे कई सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको यार ये सही से लगाना नहीं आता। बहुत अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर आपको मिल रहा है क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर, बट हम जैसे बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको ये सही से लगाना नहीं आता और हम लोगों को ना भाई रोना सा आया था ये लगाने में, और ये चीज़ अगर पहले से लगी हुई मिलती तो ज़िंदगी का मज़ा अलग हो जाता। चलो ठीक है यार, दे तो रहे कम से कम। तो यार इसमें एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी मुझे बिल्डर डिज़ाइन में, और वो चीज़ ये है कि ये फ़ोन जो है ये उतना भी बड़ा नहीं है, हैंडी लग रहा है काफ़ी हद तक मुझे और भारी भी उतना नहीं लगा मुझे ये फ़ोन। एक और इसमें अलग ही मस्त सी चीज़ ये है कि इसके अंदर बैक कवर जो है वो रिमूवेबल है, बैटरी भले ही अंदर सील्ड है, बैटरी को आप रिमूव नहीं कर सकते, वो चीज़ होती तो अलग ही लेवल हो जाता, बट बैक कवर जो है वो इसका रिमूवेबल है और उसको हटाने के बाद आपको अंदर इसमें डुअल सिम स्लॉट मिलता है और एक अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। कैमरा क्वालिटी की बात करूँ, जो 5 MP का सेल्फी कैमरा
रहा है वो काफी हद तक मुझे सही लगा। सामने इन्होंने ड्यूअल एलईडी फ्लैश दे रखा है, डे लाइट में तो बहुत ही जबरदस्त सेल्फीज वगैरह मेरे को मिल रही थी, बट जो थोड़ा अंधकार भरे वातावरण में सेल्फी कैमरा अगर मैं एलईडी फ्लैश के साथ यूज कर रहा था तो थोड़ी सी फोटो सॉफ्ट हो रही थी। बट स्टिल यार, आपको आज की डेट में किस स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड ड्यूअल एलईडी फ्लैश मिलता है, तो वो चीज मुझे सही लगी, वो भी फ्रंट में। बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, ठीक ठाक फोटोज लेता है, एक एक केसेस में ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गई इमेज प्रोसेसिंग, बट स्टिल काफी हद तक सही लगा। ऑडियो क्वालिटी ठीक है, उतनी जबरदस्त भी नहीं है। लंबे समय तक गेम करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि यार गेमिंग परफॉर्मेंस जो है उतनी जबरदस्त नहीं है, बट इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे हमारे फुल रिव्यू में। और मेन जो सोने पे सुहागा है वो है इस स्मार्टफोन का प्राइस। ये आएगा 5999 की स्टार्टिंग प्राइस पे। आपको जो मॉडल मिल रहा है ये मॉडल है 2GB और 32GB वाला मॉडल, और 2GB रैम और 32GB स्टोरेज आपको 5999 के प्राइसिंग में मिल रहा है। एक्चुअली मैं आज की डेट में मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे वॉइड हो गया, वॉइड यानी कि कोई मतलब स्मार्टफोन ऑलमोस्ट बच ही नहीं रहा, सारे स्मार्टफोन अब 7000 समथिंग के हो चुके हैं, और 5999 यानी ऑलमोस्ट 6000 के प्राइस पॉइंट पे आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है, जिसमें अपनी कुछ खामियां भी हैं खूबियां भी हैं, बट स्टिल वो जो प्राइसिंग है ना उस पे आपको एक बेसिक काम करने लायक स्मार्टफोन मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और उस उतने 6000 के प्राइस पॉइंट पर अगर आपको ये फ़ोन मिल रहा है तो काफ़ी हद तक सही है। बट एक और चीज़ याद रखने वाली ये होती है कि ये एक लॉन्च प्राइस है, हो सकता है कि बाद में फ़ोन 7500 का बिकने लग जाए, हो सकता है बाद में फ़ोन 7000 का बिकने लग जाए, लेकिन जो इनिशियल 5999 की प्राइसिंग है वो इसको काफ़ी हद तक ल्यूक्रेटिव बनाती है उन लोगों के लिए जो इनिशियली इसी प्राइस पॉइंट पर इसको खरीद पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, हमारे पूरे डिटेल्ड वाले रिव्यू को देखने के लिए जिसमें हम आपको इसकी हर एक चीज़ खोल खोल के आएंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे वो एक घंटी है छोटी सी प्यारी सी कोने में, वो लोनली फील कर रही है उसको बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।